लेकिन इसके अंदर में ग्रीनिश जो मैंने लाया है वो बिल्कुल ही नेचुरल है, कोई मेयोनीज नहीं है, नथिंग, 100% वेगन पास्ता है, 100% वेगन पास्ता। इसके अंदर मैंने ब्रोकली का यूज किया है इसको ग्रीनिश करने के लिए। तो चलिए फटाफट देखते हैं मैंने कैसे इसे किया। क्रंची ब्रोकली पास्ता, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ऑफ ब्रोकली, 1/2 कप पास्ता है, ये बिल्कुल ही होल व्हीट वाला पास्ता है, मैदे का बिल्कुल भी नहीं लेना है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून वाइट सॉल्ट डालेंगे, 1/2 टीस्पून ही हमारे पास में गार्लिक है फाइन चॉप किया हुआ। पहले अपने पानी को अच्छे से बॉयल होने दें हाई फ्लेम के ऊपर, उसका लो फ्लेम करके पास्ता डालते हैं और इसे ढक के 2 मिनट के लिए रखते हैं। 2 मिनट के बाद में अपनी ब्रोकली भी इसी में हमने ऐड कर देनी है अच्छे से वॉश करके, 3 मिनट अब हमने इसे ऐसे ही छोड़ देना है, यानी कि टोटल कुकिंग टाइम अभी तक बॉइलिंग टाइम हुआ है 5 मिनट। अब इसे हमने स्ट्रेन कर लेना है, ठंडे पानी से अच्छे से इसे वॉश कर लें। अभी इसे रख देते हैं थोड़ा सा साइड में। अब एक पैन में हमने लेना है ऑयल 2 टेबलस्पून, ये मैंने लिया हुआ है ऑलिव ऑयल, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अब अपना गार्लिक को इसमें थोड़ा सा ब्राउनिश होने तक भूनेंगे लो फ्लेम के ऊपर में। अब अपना ब्रोकली और पास्ता दोनों ही इसमें ऐड कर देंगे लो फ्लेम के ही ऊपर में, हमने ये सारा प्रोसेस अब करना है। अब इसमें हम अपना वाइट सॉल्ट डालेंगे और ब्लैक पेपर, थोड़ा सा अब हमने इसे मिक्स करना है और अब हमने इसे बीच बीच में चलाते रहना है, बीच बीच में छोड़ते भी रहना है। कितनी देर? लो फ्लेम के ऊपर में लगभग 5 मिनट आपको लगेंगे इसे बनाने में। ब्रोकली जो है ना वो पूरी एकदम मिक्स टाइप की हो जाएगी। अब हमने लास्ट में ब्रोकली हमारी जब हो जाए थोड़ी सी सॉफ्ट 2 मिनट के बाद में, तो हमने इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे मैश कर देना है। अपने स्पैटुला से आप इसे मैश कर पाए उतना इसे आपने पका लेना है, लगभग 2-2.5 मिनट में हो जाता है वैसा। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है 1 मिनट 2 मिनट लगा। ये देखिए अभी हमारा बन चुका है एकदम क्रंची वाला, टोटल 5 मिनट में, अगर क्रंची नहीं बनाना है तो 4 मिनट में। अब हमने इसे निकाल लेना है और खा लेना है गप करके। दैट्स इट, हमारा रेडी है। चॉपस्टिक्स में रख देता हूँ वैसे खा। क्योंकि अब आप लोग इसे देख चुके हैं तो मैं अब आपको एक चीज बस बताना चाहता हूं कि अगर आपको इसके अंदर में क्रंच चाहिए तो आप इसे स्टर फ्राई कर सकते हैं ज्यादा देर तक। अगर आपको क्रंच नहीं चाहिए, वैसे भी बहुत अच्छा लगता है क्रंच से भैया उन लोगों के लिए अच्छा जिन लोगों को क्रंची पसंद है पास्ता, जिन लोगों को नहीं है उनके लिए बिल्कुल ही बढ़िया है। बस जैसे ही आपकी ब्रोकली मेल्ट टाइप की आपकी हो जाए, मिक्स हो जाए आपके पास्ता में, दैट्स इट, योर पास्ता इज रेडी। खाइए मजे से अपना डिनर, आप इसे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लाइट होता है, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ही नहीं होगी क्योंकि प्रोटीन है ब्रोकली में। क्या आपको पता है ब्रोकली एक ऐसी वेजिटेबल है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज हैं और इसके अंदर में भैया प्रोटीन भरा हुआ है, तो इसका आप यूज करें डेली तो आपका खुद ही आपका जो अगर आपका फैटी है आपका स्टमक तो वो खुद ही नॉर्मल में आ जाएगा। एक्सरसाइज सब जरूरी है और अगर आप बहुत ही अगर पतले हो तो प्रोटीन मिलेगा तो आपकी बॉडी बिल्ड होगी। बॉडी बिल्ड कैसे होगी? अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो आपके मसल के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, यानी कि दोनों ही केसेस में मस्त जाएगा ये वाला पास्ता एज अ डिनर भी एज अ ब्रेकफास्ट भी। तो चलिए अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर पुराने हैं तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, लाइक कमेंट तो जरूर कर ही देना। बाय बाय।